सो जा मेरा राजा, सो जा। ना नहीं नाश्ते में भुजिया और यहाँ पे मैंने प्याज। हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल दीदी ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग के बजे हैं और तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे टी। तो यहाँ पे देख लीजिए मॉर्निंग का नज़ारा कुछ ऐसा है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम है और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, मतलब एकदम हल्की थी। तो एकदम ठंडा सा मौसम है, अच्छा लग रहा है, एकदम हरियाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और अरहुल के पेड़ में बहुत सारे फूल थे जो मम्मी ने तोड़ लिए हैं। तो अभी पूजा नहीं हुई है, नहा ही रही है मम्मी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मौसम कुछ ऐसा है। तो अभी नेक्स्ट अभी दोपहर के बजे हैं 12। तो यहाँ पे मैं नहा के नाश्ता करके लेटी हुई हूँ और बाबू को भी मैंने रेडी मतलब नहा दिया है, हमारी सिफारिश करने के बाद नहा दिया। तो वो भी खेल रहा है और फिर अभी थोड़ी देर पहले ही वो मतलब ऐसे ही लेटा हुआ है। तो अभी वो लेट से ही जगा था तो अभी तो सोएगा नहीं। तो मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा मैं आ गई बेड पे रेस्ट करने, फ़ोन वोन चलाने। तो अभी फिर नेक्स्ट अभी शाम के बज रहे हैं 7। तो ये जो है ना, तो ये परसों और कल का ब्लॉग ऐड है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फेस पैक लगाने। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने फेस पैक लगा लिया है और मैंने फेस पैक आयुर का चंदन लगाया है, चंदन फेस पैक, चंदन का जो होता है आयुर कंपनी का, तो मैंने वही लगाया है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने लगा लिया है और ये सूख भी गया है। तो चलो मैं इसको धो लेती हूँ फिर आते हैं खाने पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बन रहा है आलू का भुजिया और पराठा बनेगा रात के डिनर में। तो यहाँ पे देख लीजिए भुजिया को मैंने छौंक लगा दिया है। तो मैंने कैमरा का लाइट ऑफ था तो इसलिए थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने फिर बाद में लाइट ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए और अब मैं थोड़ा सा आटा मिला लेती हूँ, नहीं आटा मम्मी ने मिला के रख लिया था। तो मैं बना लेती हूँ पराठा। तो भुजिया तो मेरा बन ही रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी जो है ना बज रहे हैं रात के 8:30। तो बाबू यहाँ पे, भैया लोग इसके पढ़ रहे हैं तो बाबू भी उसके साथ पढ़ रहा है, आई मीन मस्ती कर रहा है। ये क्या पढ़ेगा, बस ऐसे ही उसकी मतलब उन लोगों का कॉपी बुक छीन लेता है। मैं बना रही हूँ नाश्ते में भुजिया और यहाँ पे मैंने प्याज और जीरा देके छौंक दिया है और ये है आलू और परवल का भुजिया और खाने में बनेगा सोयाबीन आलू की सब्जी। तो जिसके लिए मैंने जो है ना आलू को भी बॉयल करके रख दिया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है आलू बॉयल और पहले मैं नाश्ता बना लूँ उसके बाद फिर खाना बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए, मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुँच जाए। तो बनी रहिए मेरे ब्लॉग में। तो बस इसके बाद ही मैं चले जाती हूँ नहाने। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और आज मुझे बाल भी धोना था तो मैंने बाल धो के नहा लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा लेट हो गया, क्लीन व्लीन करने लगी। तो अभी जो है ना मैं नहा के आ गई हूँ लेकिन बाबू सो गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए,
अभी जस्ट मैंने और मम्मी ने खाना खा लिया है, और ये मैं वॉइस एडिटिंग आज सुबह कर रही हूँ ना, तो बाबू भी मेरे पास है तो वो चिल्ला रहा है, तो आप लोगों को उसकी आवाज़ आ रही होगी तो डोंट माइंड। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने खाना खाया है और बाबू तो मतलब दोपहर के टाइम में तभी सो गया था, तो अभी चलो मैं बाबू के पास जाती हूँ, फिर नेक्स्ट आते हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 4, तो वो जग गया है, तो चलो उससे पूछते हैं कि बाबू फिर आपको सोना है क्या, तो वो देखिए क्या बोलते हैं। अभी नहीं सोना है बेटा, निन्नी नहीं आ रही है, निन्नी आ रही है बेटा। नो, अच्छा, तो आप लोगों ने देखा ना कि वो क्या बोला, तो जाहिर सी बात है सो के उठा है तो वो क्या सोएगा, तो बस मैं देर से उसको पूछ रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही वो सो के उठा तो थोड़ा सा सुस्त है। तो चलिए फ्रेंड, कि आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।